चलो लिखो क्वेश्चन. इन व्हाट रेशियो वाटर बी मिक्स्ड विथ सोडा कॉस्टिंग रुपीज 12 पर लीटर सो एज टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25% बाय सेलिंग द डाइल्यूटेड लिक्विड आठ रुपीज 13.75 पर लीटर. सेलिंग द डाइल्यूटेड लिक्विड उसका उसका मीनिंग होता है अभी जब सोडा में या तो मिल्क में जब वाटर हम ऐड करते हैं तो वो जो लिक्विड है वो थोड़ा ये होता है पतला हो जाता है. मतलब समझ रहे हो ना, पतला हो जाता है तो वो लिक्विड को डाइल्यूटेड लिक्विड बोलते हैं. ठीक है, जैसे सोडा में पानी मिलाते तो वो थोड़ा पतला हो जाता है. ठीक है, मतलब मिक्सचर ही हो गया, वो मिक्सचर ही हो गया. चलो बताओ रेशो पूछा यहाँ पे वाटर और सोडा का. वाटर और सोडा का जो कॉस्ट प्राइस है वो दिया है 12 पर लीटर, रुपीज 12 पर लीटर, और प्रॉफिट हो रहा है 25% का, और ये जो दिया है सेलिंग प्राइस दिया है 13.75 पर लीटर. 11 आ रहा है. 11 हाँ. रेशो पूछा ना जाएगा. इलेवन इज टू वन वाटर और सोडा का हो जाएगा. मतलब क्या हो जाएगा, वाटर और सोडा का बताओ. सोडा और वाटर का, वाटर और सोडा दोनों ऑप्शन में होगा. 11:1 होगा, 1:11 होगा. और वाटर और सोडा का पूछा है यहाँ पे आपको. देखो कॉस्टिंग, सोडा कॉस्टिंग दिया है रुपीज 12 पर लीटर. मतलब सोडा का जो कॉस्ट प्राइस है वो दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे वाटर एंड सोडा. अभी सोडा का कॉस्ट प्राइस दिया है 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12. ठीक है, यहाँ पे वाटर का वैल्यू आता है और मिडल में आता है दोनों के मिक्सचर का वैल्यू. लेकिन जो मिक्स किया है तो वो जब बेचते हैं, सेल करते हैं, तो उसका प्राइस हमें दिया है. ये जो है सेलिंग प्राइस दिया है, लेकिन यहाँ पे अगर कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस होगा, यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस ही होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, हमें दिया है सेलिंग प्राइस 25% का प्रॉफिट दिया है, तो उससे हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे. तो यहाँ पे 25% का जो फ्रैक्शन है वो होता है 1/4. तो इसमें से जो 4 होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, सेलिंग प्राइस पे, है ना. बोलो. हाँ मैम. हाँ सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे होता है. ठीक है, इसीलिए कॉस्ट प्राइस आएगा और प्रॉफिट हो जाएगा. बट तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा यहाँ पे,
फोर प्लस वन फाइव हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें से हमें दिया है 13.75, वो है सेलिंग का प्राइस, मतलब पांच की वैल्यू दी है 13.75। हमें चाहिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, फोर है, तो फोर का वैल्यू कितना आएगा, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 13.75 इंटू फोर डिवाइडेड बाय फाइव। अभी यहाँ पे फाइव से डिवाइड करोगे यहाँ पे हो जाएगा 275। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए, यहाँ पे दो जीरो है ना, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए डबल जीरो नीचे बढ़ा, देखो यहाँ पे दो दो वैल्यू के बाद यहाँ पे पॉइंट है, तो ये जो दो वैल्यू है, ये वाला पॉइंट हटाना है, तो नीचे दो जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी ये तो हो गया, फिर हंड्रेड हो गया यहाँ पे, फिर से डिवाइड कर देंगे फाइव से, यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा 55, फिर से डिवाइड कर दो, यहाँ पे हो जाएगा फोर, यहाँ पे हो जाएगा 11, फोर से डिवाइड कर दो फोर को, कितना बचा है, 11 बचा है, तो 11 क्या हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस हो गया। सोडा का हमें कॉस्ट प्राइस दिया है, दोनों के मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस मिल गया, लेकिन जो वाटर होता है उसका कोई कॉस्ट प्राइस नहीं होता है, तो इसे हम मानते हैं जीरो, क्योंकि वाटर हम खरीदते नहीं है, इसलिए यहाँ पे जीरो असम्पशन करना है, जो जीरो है वो होता है वाटर का कॉस्ट प्राइस लेना है। बड़े वैल्यू में से हम छोटा वैल्यू माइनस कर देंगे, 12 माइनस 11 हो जाएगा 11 माइनस 0 11 ही आएगा, तो यहाँ पे 1:11 आ जाएगा, वाटर इज टू 1:11, ये होगा आंसर। रेशो पूछा है तो रेशो निकाल दो, 1:11 मैम वो पॉइंट हटाएंगे नहीं तो 10.8 आंसर आएगा ना, नहीं पॉइंट हटाएंगे तो भी देखो फिर से यहाँ पे आ जाएगा 5, नहीं हटाएंगे तो नहीं हटाएंगे तो यहाँ पे तो 275 हो जाएगा, 2.75 इंटू 4 करना पड़ेगा, करके देखो 11 ही आएगा, तो 275 इंटू 4 करो 11 आएगा, वो पॉइंट है बाद में हट जाएगा पॉइंट, वो दो जीरो आ जाएगा वहां पे। मतलब 11.00 आ जाएगा आपका आंसर, मतलब 11 हो जाएगा, पॉइंट नहीं हटाएंगे तो 10.8 है, मतलब 11 ही होगा ना वो, नहीं 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 डायरेक्ट 11 आएगा, 10.8 क्यों आ रहा है, 275 इंटू 4 11.00 आएगा, मतलब ये तो दो जीरो कैंसिल ही हो जाएगा, 11 ही आएगा, मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग हुआ है, फिर से देखो एक बार चेक करो, 11 ही आएगा और कोई वैल्यू नहीं आएगा। चलो और किसी को डाउट है ये क्वेश्चन में, हाँ क्या बोल रहे हो, मुझे आपको वॉइस नहीं आ रहा, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, नहीं आया, अच्छा नहीं आया, क्या नहीं आया, पूरा समझ में नहीं है आपको, इसके पहले का लेक्चर अटेंड किया था आपने, जीरो, अच्छा देखो जीरो जो है ना वाटर का, कभी भी अगर आएगा आपको, आपको लेना है डायरेक्टली जीरो, क्योंकि वाटर का कोई कॉस्ट प्राइस नहीं होता है, वाटर हम डायरेक्टली, अगर आपको सोडा, आप सपोज करो, ठीक है सोडा है आपके पास, ऐसा सपोज करो सोडा है आपके पास, अगर आपको वाटर ऐड करना है तो आप खरीदने जाओगे क्या दुकान में, नहीं जाओगे ना, आपके पास घर में जो होगा पानी वो ही बना, उसमें डालोगे, आइस क्यूब डालोगे, समझा, ठीक है। सो हम वाटर परचेज करने के लिए नहीं जाएंगे, इसीलिए उसका अलग से कॉस्ट प्राइस नहीं आता, अगर आपको वाटर दिया है, वाटर का आपको क्वांटिटी में आ सकता है, लेकिन अगर आपको वाटर का कहीं पे मेंशन ही नहीं किया है क्वेश्चन में, तो आपको जो कॉस्ट प्राइस है वाटर का वो जीरो ही लेना है, जैसे यहाँ पे जीरो लिया है, ठीक है। और 12 जो है वो तो दिया था, और ये जो है ये सेलिंग प्राइस है, लेकिन अगर ये दोनों जो है कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ पे आएगा वो कॉस्ट प्राइस ही आना चाहिए, हमें यहाँ पे परसेंटेज दिया है कि प्रॉफिट जो हो रहा है 25% हो रहा है, और ये जो है सेलिंग प्राइस है, तो हम डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, जो हमारा 11 आ गया, इसीलिए यहाँ पे 11 लिया है। उसके बाद क्या किया, बड़े वैल्यू में से छोटा वैल्यू माइनस कर देंगे, 12 माइनस 11 1 हो जाएगा, 11 माइनस 0 11 ही आएगा, तो 1:11 वाटर और सोडा का रेशो आएगा।
समझा, जीरो ही लेना है ठीक है। अगर आपको नहीं दिया है क्वेश्चन में तो आप डायरेक्टली जीरो लोगे, कॉस्ट प्राइस नहीं आता है उसका। मैम रुको, रोक मत करो। मैम ये 1/4 थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, सेलिंग प्राइस 5 1/4। अच्छा देखो यहाँ पे प्रॉफिट दिया है 25%, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो कॉस्ट प्राइस है हमारा उसे क्या अज्यूम करते हैं 100, ठीक है। दूसरा दूसरे मेथड से बता रही हूँ, ठीक है। 100 अज्यूम करेंगे, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100। तो प्रॉफिट किस पे आता है, कॉस्ट प्राइस पे ही होता है, लॉस भी कॉस्ट प्राइस पे ही होता है। तो हमारा जो प्रॉफिट है 25% दिया, तो आप क्या करोगे 100 का 25% निकालोगे, वो क्या आ जाएगा 25। तो सेलिंग प्राइस क्या जाएगा बताओ, 125 का, सही है। अभी इसे डिवाइड कर दो 25 से, 25 × 400, 25 × 125 एंड 25 × 5 125 आया सब। जो 4 था कॉस्ट प्राइस आ गया, प्रॉफिट जो 1 था वो भी आ गया, सेलिंग प्राइस 5 था वो भी आ गया। अभी 5 का वैल्यू दिया है हमें 13.75, कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस कितना है 4, तो वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, आप नहीं हटाओगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो भी 11 ही आएगा आंसर, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो भी चलेगा, और बीच में कॉस्ट प्राइस ही आएगा क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है, इसीलिए यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस ही आना चाहिए, सेलिंग प्राइस नहीं आएगा। हो गया लिखते हैं, अनु हो गया, यस सर। 100 + 25 सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। मैम हाँ, अपन 1/4 जो करतो तर ते 5 जे आपल्याला सेलिंग प्राइस आले ते 4+1 पण करू शकतो ना, कारण की प्रॉफिट आले म्हणून। 4+1 च केलेला आहे, 5 जे आलेला आहे 4+1 नेच आलेला आहे हा 5, नाही तुम्ही आता ते कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस करून केलं। अच्छा, त्याच्यामध्ये कॉस्ट प्राइस किती होती 100, प्रॉफिट किती होतो 25, 100 + 25 = 125, इकडे पण तेच केलेलं, दोघांचा ऍडिशन इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। ओके ठीक आहे। A student get 3 marks for each right answer and
माइनस 0.5 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन एन एग्जाम विच कंसिस्ट ऑफ 250 क्वेश्चंस. If the student मैम है माइनस 0.5 हाँ माइनस है ये 0.5 477 मार्क्स इन एग्जाम फाइंड नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन attempted by student. ये जो क्वेश्चन है ना वो वैसा ही करना है जो व्हील्स का किया था व्हीकल्स का किया था. जैसे पूरा का पूरा व्हीकल्स क्या माना था हमने वो जो टू व्हीलर है पूरा का पूरा व्हीकल्स है फोर व्हीलर है वैसे ही आप क्या मानोगे पूरा का पूरा जो क्वेश्चंस है क्वेश्चंस मार्क्स नहीं क्वेश्चंस जो है पूरा का पूरा सबका सब राइट है और पूरा का पूरा जो क्वेश्चंस है वो सब रॉन्ग है वो मानना है यहाँ पे आपको. 172 वैसे ही करना है ठीक है. 250 क्वेश्चंस पूरा का पूरा राइट मान लो जैसे किया था व्हील्स का व्हीकल्स का और किसका था पिजन्स का था पिजन्स एंड शिप्स का क्वेश्चन किया था वैसा ही यहाँ पे भी करना है. वो आप ऊपर जो लिखोगे वो आएगा मार्क्स मार्क्स एंड मार्क्स और नीचे जो आएगा रेशियो वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का आएगा. 250 क्वेश्चंस को पूरा का पूरा राइट मान लो 250 क्वेश्चंस को पूरा का पूरा रॉन्ग मान लो. राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलता है और रॉन्ग आंसर के लिए 0.5 माइनस हो जाता है. आंसर क्या है मैम आंसर है 78
चलो किसी का आया, देखो यहाँ पे ये जो है रॉन्ग ये माइनस में है और राइट प्लस में है। राइट होगा तो 3 मार्क्स मिलता है, रॉन्ग होगा तो माइनस हो जाता है। और यहाँ पे मार्क्स मार्क्स और मार्क्स आएगा, उसके बाद माइनस करने के बाद आपको जो रेशियो आएगा वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का होगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा वैल्यू आ सकता है यहाँ पे आपको। मैम ये अजम्पशन पे करना है ना? हाँ अजम्पशन, ये 250 सब करेक्ट है, 250 सब राइट है। हाँ वैसा ही करना है। सही राम। जितना क्वेश्चन है देखो 250 क्वेश्चन है, ये हम मानेंगे ये जो टोटल पूरा का पूरा क्वेश्चन है वो सबका सब राइट है, तो कितना मार्क्स मिलना चाहिए अगर वो राइट है पूरा का पूरा? 250 इंटू 3 होना चाहिए ना, मतलब 1 अगर एक क्वेश्चन है वो सही है वो राइट है तो 3 मार्क्स मिलता है। तो पूरा का पूरा अगर 250 क्वेश्चन होगा तो 250 इंटू 3 750 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, 250 इंटू 3 किया है, वैसे ही रॉन्ग में भी करना है। 250 क्वेश्चन से वो सबका सब रॉन्ग है लेकिन यहाँ पे आएगा माइनस, लेकिन मल्टीप्लाई करोगे आप 0.5 से तो यहाँ पे आ जाएगा 125। 250 इंटू 0.5 लेकिन ये जो होगा वो माइनस में आएगा, 125 माइनस में आएगा। अब ये जो आया है वो क्या है? मार्क्स है, क्वेश्चंस नहीं है। ये दोनों का दोनों मार्क्स है तो यहाँ पे मिडल में जो भी वैल्यू आना चाहिए वो किसका आना चाहिए? मार्क्स का ही आना चाहिए। तो मार्क्स उन्होंने दिया है कि स्टूडेंट है उसे 477 मार्क्स मिल रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 477। तो हम क्या करते हैं, बड़े वैल्यू में से छोटा वैल्यू माइनस कर देते तो 750 माइनस कर देंगे 477, यहाँ पे आ जाएगा 3 7 और 273 आ जाएगा। चलो यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो माइनस कर दिया 750 माइनस 477, लेकिन यहाँ पे 477 से माइनस करते हम, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी माइनस है, मतलब देखो यहाँ पे 750 माइनस 477 273 आ गया, फिर 477 माइनस फिर से माइनस आ जाएगा 125, तो यहाँ पे क्या होगा 477 माइनस माइनस 125, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो दोनों का एडिशन करके आपको यहाँ पे वैल्यू लिखना है, तो दोनों का एडिशन हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 1202। ठीक है, अभी इसे अगर डिवाइड हो रहा है तो ही डिवाइड करना है, नहीं हो रहा है तो फिर एज इट इज रखना पड़ेगा। ये 3 से तो नहीं होगा डिवाइड, 2 से भी नहीं, दोनों नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो 602 और 273 ये आ गया हमारा रेशियो, तो वो रेशियो किसका होगा? ऊपर अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर ऑफ ऊपर अगर मार्क्स लिखा है तो नीचे आ जाएगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस का रेशियो। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का रेशियो आएगा, लेकिन हमारे पास टोटल क्वेश्चंस तो हमें पता है कि टोटल क्वेश्चंस तो 250 ही होना चाहिए, मतलब एक्चुअल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 250 है लेकिन हमारा एक्चुअल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दोनों का एडिशन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5, 7 and 8, 875। ठीक है, 875 हमारा टोटल क्वेश्चंस हो रहा है लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चंस कितना है 250, और उन्होंने बोला कि रॉन्ग नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है तो रॉन्ग का रेशियो कितना है 273, तो 875 का वैल्यू अगर 253 है तो 273 का कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 250 इंटू 273 डिवाइडेड बाय 875। तो यहाँ पे देखेंगे 273 के टेबल में यहाँ पे 5 से तो नहीं जाएगा, नहीं ये तो 5 से यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, 5 × 1, 5 × 7, 5 × 5 ये हो जाएगा 50, फिर से 5 से करेंगे ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 35 के टेबल में
भी नहीं आ रहा है, 27 फिर से 5, ये डिवाइड नहीं होगा ना 7 से, 2730 डिवाइडेड बाय 35, 5 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे हो जाएगा 5, ये आएगा क्वेश्चंस, लेकिन ये है रॉन्ग क्वेश्चंस, ये हो जाएगा आंसर 78, ठीक है। थोड़ा बड़ा बड़ा वैल्यूज था, क्या क्या बोल रहा, 273 आया कैसे, 273 ये माइनस करके आया है ना, यहाँ पे देखो ये 750 माइनस 477 273, ये दोनों को माइनस करके यहाँ पे आया है, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे आया है, माइनस करके आया है, और इन दोनों का जो एडिशन है 602 प्लस 273, इन दोनों का एडिशन 875 है, और ये किसका टोटल है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें कितना दिया है 250, तो 875 का वैल्यू होगा 250, और हमें रॉन्ग पूछा तो रॉन्ग जो है ये वाला आएगा 273, तो 273 का वैल्यू रॉन्ग पूछा है इसलिए यहाँ पे 273 है, और इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, बड़ा बड़ा वैल्यूज है, ऐसा प्रीलिम्स में तो नहीं आएगा, बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, बड़ा बड़ा वैल्यूज है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन लेंगे। एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाय रेशियो वैल्यू भी कर सकते हैं ना मैम, एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रेशियो वैल्यू, अच्छा हाँ वैसे भी कर सकते हैं, चलेगा चलेगा, फिर जो आपको मतलब वही हो गया ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अगर आपको समझ रहा है तो आप कर सकते हो। SBI का रिजल्ट में किसी का हुआ है क्या प्रीलिम्स, कल रिजल्ट आया है SBI का, किसी का हुआ है, कट ऑफ क्या लगा मैम, कट ऑफ अभी एक्चुअली साइट लोड हो रहा है इसलिए नहीं पता, पता ही नहीं चल रहा है, कट ऑफ है मैम कितना 60.5 ज्यादा तो नहीं है, क्या क्या बोल रहे हो, अगर कोई फेल होता है मैम तो नहीं ऐसा ऐसा मैसेज आता ही नहीं है, वो आपको ही चेक करना पड़ेगा, ऐसा मैसेज अगर आप खुद नहीं जाओगे चेक करने के लिए तो आपको कोई बताने नहीं वाला है कि आपका हुआ है नहीं हुआ है, आपको चेक करना पड़ेगा तभी आपको पता चलेगा कि आपका हुआ है या नहीं हुआ है। मतलब कैसे चेक करेगा, साइट पे जाके, साइट पे जाके, SBI का जो साइट है उस पे जाके आपको रोल नंबर डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा, अगर दिया होगा एग्जाम तो ही पता चलेगा, नहीं दिया तो नहीं पता चलता। हेलो, डिंपल आपने दिया था, यस मैम, कितने से गया, या तो मैम दिख ही नहीं रहा है कब से, कल से नहीं दिख रहा है, आपने मेल्स का एडमिट कार्ड देखा, डाउनलोड किया, वो भी इनवेलिड दिखा रहा है,
क्योंकि देखो मेंस का अगर हम साइट लोड होता है ना, तो अगर आपको जाना है तो वो एक ही मेथड है, तो वो डाउनलोड हो जाता है मेंस का। मतलब मेंस का अगर डाउनलोड हो रहा है तो समझने का कि हो गया है, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं हुआ है, ऐसा ही ऑप्शन है। वैसे भी बहुत लोड हो रहा है, बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत दिनों से इंतजार चल रहा है, उन्होंने बहुत लेट किया है, इसीलिए अभी 1 अक्टूबर को भी एग्जाम आया है मेंस का, 10 ही दिन दिया है उन्होंने। ऐसे ही करते हैं, एसबीआई का ऐसे होता है। मैम वो मार्क्स डेट लिमिटेड होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, एसबीआई जो एसबीआई का जो आता है ना, वो डायरेक्टली मार्क्स के साथ ही आता है। बाकी सब एग्जाम जो होता है ना, वहां पे आपको बताते कि आपका हुआ है या नहीं हुआ प्रीलिम्स, और 7-8 डेज में, 8-10 डेज में आपका मार्क्स आ जाता है, उस टाइम पे नहीं आता है। वो बस बताते कि हुआ या नहीं आया, लेकिन एसबीआई में मार्क्स मिल जाता है, एसबीआई में डायरेक्ट मार्क्स आ जाता है। मतलब अभी रिजल्ट कल आया तो कितने टाइम तक हम लोग वो मार्क्स देख सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ है क्या? वही मैं बता रही हूँ, जो एसबीआई का है ना, आपको मार्क्स के साथ ही रिजल्ट आ जाता है, अलग से नहीं आता है। बाकी जो एग्जाम्स है, अगर आप बाकी एग्जाम दे रहे हो तो तब आपको बताते हैं, जैसे आज रिजल्ट आया है तो आज आपको बताएंगे आपका हुआ है या नहीं हुआ है, और 7-8 डेज के बाद मार्क्स पता चलता है आपका। लेकिन एसबीआई का कैसा है कि वो साथ में ही दोनों दे देते हैं, अगर आपको अभी चेक करोगे ना, आपका मार्क्स भी साथ में ही आया होगा, उसके साथ ही पता चलेगा। मतलब कल रिजल्ट आया है तो कितने दिन तक हम लोग वो देख, मतलब चेकआउट कर सकते हैं क्या? कल ही, लेकिन कल तक तो कल ही पता चल जाना चाहिए था, लेकिन साइट लोड हो रहा है क्योंकि बहुत लोग वेट कर रहे हैं ना, बहुत लेट आया रिजल्ट, इसीलिए वो लोड हो रहा है साइट, बहुत दिनों के बाद उन्होंने भेजा है, जल्दी करना। हम अभी नहीं देख सकते क्या? देख सकते, और है, और दिन है, मतलब अभी फिर भी आप ट्राई करते रहो। देखो रात को 12 बजे के आसपास करो, या तो सुबह के 5 बजे 6 बजे करो, वो ही है कि तब आपको ज्यादा चांस है। हाँ बोलो। RRB का रिजल्ट आया था तो उसने बताया था कि लास्ट डेट 17 है, तब तक रिजल्ट देख सकते हैं मार्क्स वाला, तो इसमें भी ऐसा कुछ है लिमिट या कभी भी मतलब देख सकते हैं ऐसा कुछ? नहीं नहीं, नहीं लिमिट यहाँ पे भी होता है, 10 से 12 मार्क्स का लिमिट होता है, 10 से 12 मार्क्स बोल 10 से 12 डेज का लिमिट होता है, तब तक आप देख सकते हो, लेकिन आप कोशिश करो कि ये 2 दिन में देख लो, ज्यादा लेट मत करो, हो ही नहीं रहा है। नहीं नहीं, इसीलिए बोलो रात को अगर 12 बजे कर सकते हो तो करो, या तो सुबह के 5-6 बजे करो, तब आपको ज्यादा चांस है, क्योंकि तब कोई चेक नहीं करता है ना, इसीलिए। ओके मैम, ठीक है, फिर भी चेक करते रहो, ये 2 दिन में चेक करते रहो, कितना आपको पता चलना चाहिए ना, फिर भी टाइम होता है, लेकिन फिर भी जितना ज्यादा जल्दी मिलेगा उतना ज्यादा अच्छा, चेक करते रहो, हो जाएगा। और लैपटॉप या पीसी में ज्यादा ट्राई करो, मोबाइल में भी आ जाता है, वैसे टाइम नहीं लगता है, लेकिन वो लोड हो रहा है, 1-2 दिन में आ जाएगा। ऐसा प्रॉब्लम पहले भी हुआ है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ऐसा प्रॉब्लम पहले भी हो चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं, इसके लिए होता है वो, आपको 1-2 दिन में आ ही जाएगा। सिलेक्शन नहीं हुआ है फिर भी मार्क्स तो देख सकते हैं ना, मतलब? हाँ, मार्क्स आ जाएगा आपका, सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी मार्क्स आता ही, आपको कितना कम मिला है वो तो पता चलना चाहिए ना। मैम वो एडमिट कार्ड जैसे चेक करने बोला आपने, उस पे ही आएगा क्या? मतलब नहीं, उस पे नहीं, आपको फिर मार्क्स आपका रिजल्ट पे ही जाना पड़ेगा, रिजल्ट पे ही चेक करना पड़ेगा। अगर आपका नहीं हुआ है ना, किसी का अगर नहीं होता है ना, तो उनका एडमिट कार्ड नहीं आता, मेंस का नहीं आता, जिनका हुआ है उनका ही आता है। चलो अब बस एजेंसी हैज 108 बसेस, ये क्वेश्चन हुआ है क्या, देख लो एक बार, 108 बसेस, इट सोल्ड सम बसेस एट 9% हुआ है? नो, नहीं हुआ है ना? नो मैम। चलो ठीक है, देखो अब बस एजेंसी हैज
108 buses. It sold some buses at 9% profit and rest at 36% profit. Thus, he gained 17% on all his buses. ये buses लिखा ठीक है. The number of buses sold at 36% profit is. हम 32 बसेस 32 आ रहा है. सही है सही है. इजी क्वेश्चन है ये. टफ नहीं है. देखो 3% दिया है ओवरऑल. ओवरऑल का है. हाँ ओवरऑल भी दिया है आपको परसेंटेज. तीनों का तीनों प्रॉफिट की है. प्रॉफिट प्रॉफिट और प्रॉफिट आएगा और नीचे जो रेशियो आएगा वो नंबर ऑफ बसेस का आएगा. थर्टी टू सही है. 66 आया ना कट ऑफ. 62 आया है. इतना कम है. 62.51 ज्यादा होगा शायद. थोड़ा 62.66 ओमकार आपने भी दिया था ना. आपका भी लोडी हो रहा होगा. नहीं आ गया. आ गया. अरे आ गया मतलब मार्क्स के साथ आया या आपने मेल्स का डाउनलोड किया था. नहीं मैं मार्क्स के साथ आया था. तो क्या हुआ. नहीं आया मैम मेरिट में. नहीं आया. नेक्स्ट टाइम आ जाएगा. टेंशन मत लो. कब किया था मैम. क्या हुआ. अब भी किया था. अच्छा अभी किया था. मेरा तो नहीं हो रहा है मैम. अरे आपका. फिर ट्राई करते रहो. जब तक नहीं आता तब तक ट्राई करते रहो. ठीक है. दो दिन में तो ट्राई करते ही रहो. ज्यादा अच्छा है वो. जितना जल्दी देखोगे उतना अच्छा है. एक स्टूडेंट का हुआ है जो ठाणे से है ना. उनका हुआ है. अभी उनको कितना मार्क्स मिला है वो तो नहीं पता है. लेकिन उनका हुआ है. उनका डायरेक्टली मेंस का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया उनका. नंबर ऑफ बसेस.
मैम आंसर का है 32. दो अलग अलग प्रॉफिट दिया है 17% ऑन ऑल गुड है, मतलब पूरा का पूरा टोटल 17% दिया, तो यहाँ पे मिडल में आएगा 17%. बड़े वैल्यू में से छोटा वैल्यू माइनस कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 9. 17 में से माइनस कर दो 9, यहाँ पे हो जाएगा 8. 9 और 8, 19, 8, 19, 8. आंसर 144. 32. वैल्यू है 108. 36% मतलब 8 का वैल्यू कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से जाना था. 108 × 8 / 27. हाँ, 8 9 से डिवाइड होगा, 9 × 3 हो जाएगा 12. 4 = 32. प्रॉफिट 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 माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ बसेस का रेशियो आएगा, दोनों का जो ऐड कर देंगे ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बसेस. टोटल नंबर ऑफ बसेस को टोटल नंबर ऑफ बसेस से कंपेयर कर देंगे डायरेक्टली, और 36% का प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब 8 का वैल्यू कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. चलो जिनका, देखो जिनका रिजल्ट आया है या तो जिनका दो दिन में वैसे भी पता चल जाएगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो मार्क्स है वो देखो, सबसे कम आप कहाँ पे आ रहा है मार्क्स, सबसे कम अगर देखा जाए तो देखो रीजनिंग का थोड़ा बहुत अच्छा मार्क्स आना ही चाहिए आपको. रीजनिंग की बात की जाए तो आपको एटलीस्ट 30 तो आना ही चाहिए, 30 के ऊपर ही आना चाहिए. अगर SBI की बात की जाए, RBI की बात की जाए, या तो IBPS हो, LIC हो, NISCL हो, NICL हो, सब RRBs हो, RRBPO हो, ठीक है, वहां पे 30 आना चाहिए रीजनिंग में. मैथ्स में 25 प्लस अटेम्प्ट होना चाहिए, एटलीस्ट 25 तो होना चाहिए, ऐसा एम रखो आप तो ही आपका निकल सकता है.
इसके आसपास भी होना तो भी निकल जाएगा, और इंग्लिश में अगर अच्छा इंग्लिश है तो कोई बात नहीं है, फिर आप कर लोगे, लेकिन अगर आपका इंग्लिश एवरेज है तो भी आपको एटलीस्ट 16, 17, 18, 19 ऐसे इसमें आना चाहिए मार्क्स इंग्लिश में, ठीक है? तो कट ऑफ निकलने का बहुत ज्यादा अच्छा चांस होता है कि आपका कट ऑफ निकलेगा ही। ओवरऑल बता रहे हैं, ओवरऑल ही बताएंगे, क्यों? क्योंकि वहां पे आपका सेक्शनल नहीं है, सेक्शनल हाँ, ये वाला रीजनिंग है, मैथ्स है और ये इंग्लिश है, ओवरऑल ही बताते हैं, क्योंकि एसबीआई में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता, आप मेंस भी दोगे ना तो सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, इसीलिए वो ओवरऑल बताते हैं, ठीक है? बाकी सब में आपको अलग से आता है, लेकिन एसबीआई में सब साथ में देते हैं। फिर भी आपको तो पता होगा ना आपका जो अटेम्प्ट है वो किसके आसपास था, वो तो पता रहेगा, ठीक है? फिर भी यही एम करके जाना है कि आपको इतना तो करना ही है, मतलब ऐसा नहीं कि आप इतना घाई कर दो कि आपको अगर 30 करना है तो 30 के पीछे इतना घाई कर दो कि उसकी वजह से दूसरा क्वेश्चन रॉन्ग कर दोगे, वैसा भी नहीं करना, एक्यूरेसी भी रखना है, क्योंकि मेन एग्जाम को मेन एग्जाम से मतलब आप कंपेयर करके चलोगे ना वो ज्यादा अच्छा, उतना तो एम करके जाओ, उससे ज्यादा नहीं लाना है, हमें बस इतना करना है कि हमें मतलब हमें बहुत ज्यादा की मतलब 100 में से 95-90 वैसा नहीं चाहिए, हमारा बस कट ऑफ क्लियर हो बहुत है, क्योंकि बहुत ज्यादा जिसको देखो अगर कट ऑफ 70 भी है तो जिसको 80 मिलता है, 90 मिलता है, 70 मिलता है, चाहे ये तीनों हो, तीनों का भी कट ऑफ क्लियर हुआ है, तीनों को भी मेंस में जाने का चांस है, और तीसरी बात है कि ये जो मार्क्स मिला है वो तो इंक्लूड नहीं होने वाला है, मेंस में इंक्लूड नहीं होगा, इसका कोई फायदा नहीं है, तो बस अगर 70 भी मिलता है तो क्या बुरा है, 90 लेके क्या कर लोगे, 70 है तो 70 का एम रखो, कोई बात नहीं ना, 70 है, हमें बस एग्जाम निकालना है, हमें मतलब पीएचडी नहीं करना है उस सब्जेक्ट में, हमें बस एग्जाम का जो कट ऑफ है वो ही क्लियर करना है, प्रीलिम्स हो या मेंस हो वो ही ध्यान में रखो, मतलब आपको बहुत ज्यादा मार्क्स लगे कुछ नहीं मिलने वाला, तो आपका जो एम है वो होना चाहिए कि जो कट ऑफ है उसके पास मतलब उससे प्लस 5-6 रखो, मतलब अगर 70 कट ऑफ जा रहा है तो उससे प्लस 5 या तो प्लस 6 रखो, इसके आसपास रखो, तो आप यहाँ तक पहुंच सकते हो रियल एग्जाम में, इसके मतलब 70 अगर एम करे तो आपको 70 करना है तो आप 75-76 एम करो, तब आप इसके आसपास तो पहुंचोगे ही, ये कट ऑफ तो निकलेगा ही, ऐसा रखो, ठीक है? हमें बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं लाना है, हमें बस कट ऑफ निकालना है, बस हो गया, क्योंकि मेंस में वो जाते हैं वो 70, अगर 70 कट ऑफ है तो 70 से लेकर 100 तक, जिनको 100 भी मिला है वो भी रहेंगे मेंस में, 70 मिला है वो भी रहेंगे, तो बस मेंस क्लियर करने का फिर एम होना चाहिए, ज्यादा नहीं लाना है, बस हमें कट ऑफ क्लियर करना है, ठीक है? तो उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज भी लेना है, टेस्ट सीरीज भी देना है, पहले तो जिनको नए जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको तो क्वेश्चन कवर करना है, आपको टेस्ट सीरीज देके कोई फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे, वैसा भी नहीं करना है, लेकिन जिनका पोर्शन हुआ है मतलब एटलीस्ट 75% हुआ है ना पोर्शन, तो भी आप टेस्ट सीरीज लगाओ, टेस्ट सीरीज परचेस करो और टेस्ट सीरीज दो, हफ्ते में एटलीस्ट 2 दिन तो दो, और उसे अच्छे से एनालाइज किया करो कि कहाँ पे मेरा कम हो रहा है, कहाँ पे ज्यादा हो रहा है, कहाँ पे ज्यादा करना चाहिए मुझे, ठीक है? ऐसे करोगे तो जरूर निकलेगा एग्जाम, इतना टफ बिल्कुल भी नहीं है, निकाल सकते हैं सब, टफ नहीं है एग्जाम इतना। चलो A mixture of water and milk contains 80% milk in 50 liters of such mixture. How many liter of water is required to
increase percentage of water to 50%. न्यू स्टूडेंट्स को टेस्ट नहीं देना है, ठीक है? आप मत दो टेस्ट, डिमोटिवेट हो जाओगे क्योंकि पोर्शन ही नहीं हुआ है तो क्या करोगे टेस्ट देके, ठीक है? आप पहले पोर्शन कवर करो, दो तीन महीना जाने दो, तीन चार महीने जाने दो, उसके बाद ही आप टेस्ट ले लो प्रैक्टिस करने के बाद। मैम कितने टॉपिक्स कवर झाले पाहिजे? टॉपिक्स प्रीलिम्स साठी, प्रीलिम्स साठी प्रीलिम्स के लिए ही हमें नहीं पढ़ना है। देखो हर हर मेंस के लिए भी पढ़ना है, हमें सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर नहीं करना है, हमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लियर करना है, वो ध्यान में रखो। प्रीलिम्स के लिए अगर देखा जाए तो मैंने बताया था जब क्रैश कोर्स भी लिया था एसबीआई का तो भी बताया था मैंने क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, डीआई और अप्रोक्सीमेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे तो आपको मार्क्स मिल ही जाएगा। और थोड़ा बहुत आपको वर्ड प्रॉब्लम करना पड़ता है, दो से तीन, ज्यादा नहीं करना है वर्ड प्रॉब्लम, उससे आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। अगर मैथ्स का देखा जाए तो मैथ्स का आराम से हो जाएगा, कट ऑफ के आसपास पूछा देंगे। मेंस का भी प्रिपेयर करना होता है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम छोड़ना नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम को भी करना है क्योंकि वो मेंस में आपको ज्यादा फायदा होगा और वर्ड प्रॉब्लम से भी ज्यादा मेंस में सबसे ज्यादा डीआई इंपॉर्टेंट है। तो जितने ज्यादा डीआई के क्वेश्चंस कर सकते हो उतने ज्यादा करो, वो ज्यादा अच्छा है। बोलो किसी को डाउट है? मैम वो डीआई में वो लाइन वाला आता है ना कि 10 है और बीच में सिर्फ 5 लाइन और 10 दिन का गैप है, लाइन वाला मतलब कौन सा डीआई बोल रहे हो? ऐसे मतलब 10 है इंक्रीज होके 20 हो रहा है। हाँ यहाँ पे 10, 20, 30 ऐसे बोल रहे हो? हाँ और बीच में 5 लाइंस होता है ना उसके। अच्छा हाँ हाँ, मतलब आपको वो लाइन का नहीं समझ रहा, ऐसे बोलना चाहते हो? हाँ मैम वो नहीं हो रहा था मेरा। अच्छा वो नहीं हो रहा था, मतलब वो छोटा छोटा लाइन होता है स्क्रीन पे, एक्चुअली वो दिखता नहीं है, वो भी प्रॉब्लम है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 उसके बाद आएगा 10 फिर 1, 2, 3, 4 वो लाइंस, मतलब ये जो लाइन है उसका वैल्यू क्या होगा, ऐसे पूछ रहे हो आप? यस मैम। अच्छा देखो अभी मैं डीआई ले रही हूँ मॉर्निंग में, मॉर्निंग में अटेंड करो, ऐसा टाइप का वाला डीआई मैं वहां पे कवर करूंगी, ठीक है? ऐसा सेम जो लाइन वाला होगा वो मैं आपको, पर मेरा कोई नहीं रहा था। अच्छा मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लेना चाहिए इन गैप का? हाँ मैम लाइन का समझ ही नहीं रहा था। अच्छा ठीक है ऐसा ऐसा वाला मैं ले लूंगी, ठीक है ऐसा वाला ले लूंगी, आपको सेंड कर दूंगी ताकि आप पहले देखो उसके बाद मैं बता दूंगी, ठीक है? लाइन वाला ऐसा है ना ले लूंगी मैम। 30 लीटर 30 है, ठीक है 30 सही है 30। और किसका आया था बादल, किसका आया था? तो मेरा आया था मनीष। मनीष अच्छा वेरी गुड सही है। A mixture of water and milk contains 80% milk in 50 liters of such mixture. ठीक है, यहाँ पे आएगा water और milk, उसका हमें दिया है परसेंटेज, मतलब 80% मिल्क है, यहाँ पे आ जाएगा 80%, तो वॉटर कितना परसेंट होना चाहिए? 20%, ठीक है। 0-0 कैंसिल, 1:4 रेशो आएगा अगर 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे 1:4 रेशो है लेकिन उन्होंने टोटल मिक्सचर दिया है, सच मिक्सचर, मतलब जो पूरा का पूरा मिक्सचर है वो कितने लीटर का है? 5050, ठीक है? पूरा का पूरा जो मिक्सचर है यहाँ पे कितना है? 5 है, 5 की जो वैल्यू है वो है 5050, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी, अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 50 डिवाइडेड बाय 5, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10, तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो वाटर 50 जो मिक्सचर है उसमें वाटर कितना है? 10 है, और जो मिल्क है 50 लीटर के मिक्सचर में वो है 40, मतलब अभी ये जो मिला है वो एक्चुअल वैल्यू मिला है, मतलब एक्चुअल वैल्यू में वाटर जो 10 लीटर है और जो मिल्क है वो है 40 लीटर, और टोटल मिक्सचर है 50 लीटर का, ठीक है? हमने यहाँ पे क्या निकाल दिया? एक्चुअल क्वांटिटी कंपेयर करके, इन दोनों का जो एडिशन है वो तो 5 हो जाएगा, 5 भी तो मिक्सचर है और 50 भी मिक्सचर है, मतलब 5 का वैल्यू 50 के बराबर है, 1 यूनिट का निकाल दिया 10 और उससे यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 10 एंड इंटू 10, उससे आया है 10 एंड 40।
अभी उन्होंने बोला है हाउ मेनी लीटर ऑफ वॉटर इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज परसेंटेज ऑफ वॉटर टू 50%। मतलब क्या बोल रहे हैं, जो मिल्क है उसके बारे में तो कुछ नहीं दिया है कि मिल्क इंक्रीज हो रहा है या मिल्क डिक्रीज हो रहा है, कुछ भी नहीं दिया है। तो हम खुद से अज्यूम नहीं करेंगे कुछ भी, हम क्या अज्यूम करेंगे, जो 40 है नए मिक्सर में जो मिल्क है वो तो 40 ही होना चाहिए, क्योंकि कुछ चेंज मिल्क में नहीं हो रहा है। उन्होंने वॉटर में बोला है कि वॉटर में कुछ इंक्रीज हो रहा है, वॉटर में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मिल्क जो था ओल्ड मिक्सर में, ये जो ओल्ड है और ये हो जाएगा न्यू, तो ओल्ड मिक्सर में जो मिल्क था 40 वही न्यू मिक्सर में होगा क्योंकि उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। तो उसकी वजह से उन्होंने बोला है कि बॉटल जो है ऐड हो रहा है, तो उसकी वजह से नया जो मिक्सर बनेगा मतलब ये वाला, तो वहां पे जो वॉटर का परसेंटेज होगा वो 50% होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिया था मिल्क 80% है, तो बाकी जो बचा हुआ है वॉटर 20% होगा। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि डायरेक्टली 50% वॉटर होना चाहिए, तो यहाँ पे वॉटर के यहाँ पे लिख देंगे 50%। 50% अलग होता है और 50 वैल्यू में अलग होता है। ये जो 40 है वो वैल्यू है और यहाँ पे जो 50 है वो परसेंट है। तो 50% अगर नए मिक्सचर में वॉटर है तो मिल्क कितना परसेंट होना चाहिए, कितना परसेंट होना चाहिए बताओ? 50 आना चाहिए ना। देखो यहाँ पे 80 + 20 100 होता है ना, क्योंकि जब भी परसेंटेज आएगा उसका मतलब क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो अगर नए मिक्सचर में जो वॉटर है वो 50% है तो मिल्क भी 50% ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों का एडिशन तो 100 आना चाहिए क्योंकि परसेंट आया है, इसीलिए दोनों का दोनों 50% ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे उन्होंने 80 दिया था तो यहाँ पे हमने 80 नहीं लिया था, यहाँ पे 20 लिया था। 20 क्यों लिया था, 100 में से माइनस करके 80 20 लिया है। वैसे ही 100 में से 50 माइनस कर देंगे 50 ही आना चाहिए। तो दोनों 50-50% है, तो 50-50 मतलब डायरेक्टली आधा आधा होना चाहिए। मतलब पूरा अगर मिक्सचर है 100 का तो उसमें से 50 मिल्क जो है 50 है तो वाटर भी 50 होना चाहिए, वाटर 50 है तो मिल्क भी 50 होना चाहिए। वैसे ही अगर ये 50-50 अगर हमें दिया है परसेंट में, अटक रहा है नहीं अटक रहा ना, 50-50। अभी देखो यहाँ पे अगर रेशियो निकाला जाए तो ये 1:1 ही आएगा। इसका ही मतलब क्या है कि जो नया मिक्सचर है उसमें अगर मिल्क जो है वो 40 है तो वाटर कितना होना चाहिए बताओ, कितना होना चाहिए? 60% की बात तो फोर्टी होना चाहिए। क्यों 40 होना चाहिए? देखो 60 नहीं आएगा, 60 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे परसेंट लिखा है क्या मैंने, जब भी परसेंट आएगा, जैसे यहाँ पे 80% दिया था इसीलिए माइनस करके लिखा, यहाँ पे 50% दिया था इसीलिए माइनस करके लिखा, लेकिन ये 50, ये जो 40 वो परसेंट में नहीं है, वो वैल्यू में है, क्योंकि वो कहाँ से आया है, 50 लीटर में से आया है, क्योंकि इन दोनों को अगर एडिशन कर देंगे तो वो 50 लीटर है। तो 50 लीटर परसेंट दिया गया, यहाँ पे वैल्यू दिया है ना, तो ये दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए। तो ये जो दोनों का दोनों यहाँ पे आया है वो भी वैल्यू होना चाहिए, मतलब एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल लीटर। तो यहाँ पे देखो अगर 1:1 का रेशियो है, मिल्क तो चेंज नहीं हो रहा है, तो मिल्क जितना था उतना ही हमने लिख दिया, तो उन्होंने बोला जितना मिल्क होगा उतना ही वॉटर होना चाहिए। इसका ही मतलब 50-50 होगा ना, आधा आधा। मतलब अगर 80 लीटर है पूरा, उसमें से अगर 40 आपका मिल्क है तो वॉटर कितना होना चाहिए, 40 ही होना चाहिए, माइनस कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 1:1 रेशियो दिया है, जैसे 50% 50% है, डायरेक्टली आधा, तो ये आधा है तो ये भी आधा ही होना चाहिए। मतलब ये 40 है तो ये भी 40 ही होना चाहिए, क्योंकि 50-50% आया है। तो इनका अगर रेशियो निकाल देंगे तो 1:1 ही आना चाहिए। यहाँ पे अगर 1:1 आ रहा है, मिल्क अगर 40 है तो यहाँ पे 1 का वैल्यू 40 है, तो यहाँ पे 1 का वैल्यू 40 ही आना चाहिए। लेकिन आंसर 40 नहीं होगा, आंसर 40 नहीं है, लेकिन नए मिक्सचर में अगर उन्होंने पूछेंगे आपको कि नए मिक्सचर में वॉटर कितना होगा तो वो 40 होगा।
लेकिन यहाँ पे पूछा है कि कितना लीटर ऐड करना चाहिए कि जो परसेंट है वाटर का नए मिक्सचर में वो 50% होगा, और कितना ऐड करना चाहिए, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज, तो कितना ऐड करना चाहिए पूछा है, कितना होगा वो नहीं पूछा है। मतलब अगर पूछा होता वाटर कितना होगा तब आंसर 40 होता, लेकिन कितना ऐड करना चाहिए, देखो ओल्ड मिक्सचर में 10 था वाटर, नए मिक्सचर में 40 है, तो कितना ऐड करना चाहिए बताओ। 30 ऐड करना चाहिए, इन दोनों का ही डिफरेंस लेंगे ना, 40 माइनस 10, मतलब 10 में जब हम 30 ऐड करेंगे तभी तो 40 होगा, तो उन्होंने यही पूछा है, तो हमारा आंसर 30 होगा, 10 भी नहीं होगा, 40 भी नहीं होगा, 50 भी नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा 30 लीटर, 30 लीटर आएगा, 30% भी नहीं आएगा, क्योंकि कितना ऐड करना चाहिए पूछा है, 10 में जब हम 30 ऐड करेंगे तभी हमें 40 मिलेगा, क्योंकि मिल्क में कुछ ऐड नहीं हो रहा है इसीलिए 40 का 40 है, दोनों का रेशियो अगर इक्वल है तो ये भी 40 हो जाएगा, लेकिन ओल्ड में तो वाटर 10 था, नया जो मिक्सचर है उसमें 40 है, तो कितना ऐड करना चाहिए, तो 30 ऐड करना चाहिए। ग्लिसरीन चलो
दो दो रेशो दिया है, ओल्ड रेशो भी दिया है, न्यू रेशो भी दिया है, और आपको वाटर कितना ऐड होगा वो पूछा है। मिल्क के बारे में कुछ भी नहीं दिया तो हम कुछ भी अजम्पशन नहीं करेंगे। जितना मिल्क था उतना ही नए मिक्सर में आएगा, और टोटल जो क्वांटिटी है वो 80 लीटर था, ठीक है, 8080। मैम फोर है क्या? फोर है ऑप्शन में, हो सकता है फोर। मिल्क ऐड नहीं होगा, मिल्क जितना है उतना ही रहेगा, सिर्फ वाटर ऐड होगा। तो वाटर कितना ऐड करना चाहिए पूछा है उन्होंने, कितना होगा वो नहीं पूछा, कितना ऐड करना चाहिए। एट भी है ऑप्शन में, फोर फाइव सिक्स एंड एट। चलो ठीक है, एट आ रहा है एंड फोर आ रहा है। और किसी का आ रहा है आंसर? मैम फोर है, ठीक है। मैम एट। अरे दो लोगों का फोर आ रहा है, दो लोगों का एट। चलो ठीक है, और किसी का आ रहा है? मैम दो लोगों का फोर आया।
अच्छा हुआ बता दिया आपने, सेट में भी फोर आया किसी का। अच्छा फोर आया, अच्छा मेजोरिटी वाला करते फिर, मेजोरिटी वालों का ज्यादा होगा सही। चलो सेवन और थ्री दिया है, ठीक है सेवन इज टू थ्री, ओल्ड का दिया है सेवन इज टू थ्री, मतलब पहले जो रेशियो था वो सेवन इज टू थ्री था, अभी इन दोनों का जो एडिशन है वो हो जाएगा टेन, तो टेन का वैल्यू हमें दिया है एटी, तो वन यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा एटी डिवाइडेड बाय टेन, मतलब एट, 80 डिवाइडेड बाय 10, या तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कि 1 का वैल्यू कितना आएगा, उससे भी 80 आएगा, ठीक है तो यहाँ पे मिल जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 8 से, इनटू 8 इनटू 8, 56 एंड 24, दोनों का एडिशन करोगे तो वो हो जाएगा 808, ठीक है। अभी दोनों का यहाँ पे मिला है एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, तो लेकिन न्यू मिक्सचर में जो जितना मिल्क है उतना ही रहना चाहिए, 56 मिल्क है तो 56 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमें 50% नहीं दिया है, अभी उन्होंने दिया है 2:1 होना चाहिए मिल्क और वाटर का, तो यहाँ पे मिल्क ऊपर मिल्क है नीचे वाटर है, यहाँ पे है मिल्क और वाटर, तो 2:1 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे तो 56 आया है, यहाँ पे कितना आएगा देखो, यहाँ पे 2:1 रेशियो है ना, तो 2 का वैल्यू कितना है 56 है, तो 1 का वैल्यू कैसे मिलेगा 56 डिवाइडेड बाय 2, 28 मिल जाएगा, 28 इंटू 2 करोगे तो 56 आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो 28 मिला है वो पर यूनिट का वैल्यू मिल जाएगा हमें, तो यहाँ पे 28 मिल गया पर यूनिट का वैल्यू, यहाँ पे किसका वैल्यू चाहिए 1 का, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 28 से, तो यहाँ पे न्यू मिक्सचर में कितना वाटर होगा वो मिल गया 28 होगा, ओल्ड मिक्सचर में देखो यहाँ पे 24 है तो कितना ऐड होना चाहिए 4 ऐड होना चाहिए, तो 4 होगा हमारा आंसर, 4 सही है, 4 होगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे बस क्वांटिटी निकाल दिया है इस रेशियो से, 7 प्लस 3 10, 10 का वैल्यू 80 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 8 हो जाएगा, 8 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो वाटर हो जाएगा, मिल्क मिल जाएगा, दोनों मिल गया, अभी न्यू मिक्सचर में जितना मिल्क है उतना ही रहेगा क्योंकि मिल्क के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो जितना मिल्क है उतना ही न्यू मिक्सचर में रहेगा, लेकिन उन्होंने न्यू मिक्सचर का रेशियो दिया है 2:1, तो यहाँ पे 2:1 लिख दिया, 2 का वैल्यू 56 है तो 1 का कितना आएगा 28, और यहाँ पे हमें 1 का ही चाहिए तो 1 × 28 कर दिया 28 हो गया, पहले था वाटर 24 लीटर उसके बाद हो गया 28, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो आएगा 4, मतलब 4 लीटर और ऐड करना चाहिए। मैम मिल्क का वैल्यू में कुछ नहीं बोला तो वो सेम रहेगा, हाँ वो सेम रहेगा, अगर कभी वाटर के बारे में भी नहीं दिया है मिल्क के बारे में भी कि मिल्क ऐड हो रहा है वाटर का कुछ नहीं दिया है तो वाटर को भी सेम रखोगे आप, फिर मिल्क ही ऐड होगा। हो गया लिख के सबका, नो मैम
In a mixture of 75 liters. The ratio of milk to water is 2:1. The amount of water to be further added to the mixture so as to make the ratio of milk to water is 1:2 will be. चलो सेम क्वेश्चन है ठीक है यहाँ पे भी वाटर ही ऐड हो रहा है मैम 3 आ रहेगा आंसर 3 आ रहा है यस मैम 3 नहीं 3 नहीं है इतना कम आ रहा है इतना कम नहीं आएगा 75 है क्या मैम 75 ऑप्शन में है 75 ठीक है देखते हैं मैम 75 लीटर 75 ठीक है मैम 75 ठीक है 75 सबका 75 है सब बताओ देखो ऐसा दो क्वेश्चन हुआ है ऑलरेडी इसके बाद ये थर्ड टाइप है सेम क्वेश्चन है आना चाहिए अभी आंसर 75 आ रहा है हाँ ठीक है चलो देखते हैं ये गलत नहीं होना चाहिए सबका आना चाहिए आंसर यहाँ पे 75 ठीक है
75 divided by 3. 25. Correct. Chalo. मिल्क और वाटर 2:1 दिया है, दोनों का जो एडिशन है वो है 3. 3 की वैल्यू हमें कितनी दी है? 75. तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25. 75 बाय 3 कर देंगे, 25 आ जाएगा. 25 इंटू 2 50 हो जाएगा. 25 इंटू 1 25 हो जाएगा. अभी मिल्क जितना है उतना ही रहेगा, यह है ओल्ड. न्यू में भी मिल्क जितना है उतना रहेगा, मतलब 50 रहेगा. तो कितना और ऐड होना चाहिए? लेकिन रेशियो हमें दिया है 1:2 मिल्क और वाटर का, मतलब ये अगर 1 है तो ये होना चाहिए 2. तो 1 का वैल्यू कितना आ रहा है? 50. 1 इंटू 50 करेंगे तो 50 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 50 से मल्टीप्लाई कर दो. 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 100. ठीक है, 100 आ गया. 75 आएगा आंसर. 75 देखो 100 आ गया यहाँ पे. अभी कितना ऐड होना चाहिए? पहले था 25, उसके बाद हो रहा है न्यू मिक्सचर में 100, तो 75 ऐड करेंगे तभी तो 100 होगा. तो आंसर हो जाएगा 75. पहले था 25 वाटर, उसके बाद 100 हो रहा है, तो 75 ऐड होना चाहिए. तो आंसर 75 होगा, क्योंकि उन्होंने पूछा है कितना अमाउंट ऑफ वाटर ऐड होना चाहिए.